भारत के हर राज्य में खास मंदिर मौजूद हैं। कुछ मंदिर की कहानियां तो इतनी दिलचस्प हैं कि लोगों को विश्वास ही नहीं होता। सीकर का जीड़ माता मंदिर भी ऐसा ही है। इस मंदिर में देवी ने ऐसा चमत्कार किया था कि औरंगजेब भी हैरान रह गया था। वहीं इस मंदिर का इतिहास ऐसा है कि सालों से भाई बहन यहाँ अपने झगड़े सुलझाने के लिए पहुँच रहे हैं। आइए जानते हैं आखिर क्यों औरंगजेब इस मंदिर के सामने नतमस्तक हुआ था। एक दौर में जब औरंगजेब की सेना उत्तर भारत के मंदिरों पर आक्रमण कर रही थी, जीड़ माता के मंदिर पर उसने हमला करने का फैसला लिया। पुजारी और गांव वालों को पता चला तो उन्होंने जीड़ माता से प्रार्थना की कि वो इस हमले से उनको बचाएं। इसके बाद हजारों सैनिक वापस लौट गए। औरंगजेब इस चमत्कार से खुश हुआ। इसके बाद उसने अखंड ज्योति जलानी शुरू कर दी। जीड़ माता का असली नाम जयंती माता है, जो दुर्गा का अवतार मानी जाती हैं। शेखावटी और राजपूत जाति के लोग इन्हें देवी मानकर पूजते हैं। वहीं जीड़ माता के मंदिर में भाई बहन का मंदिर भी मौजूद है। इसके पीछे लोग सालों पुरानी कहानी बताते हैं। दरअसल जीड़ माता का उनकी ननद से उनके भाई के लिए, जिसका नाम हर्ष था, झगड़ा हो गया। ननद ने उन्हें कहा कि कल हम एक साथ सरोवर में पानी भरेंगे, दोनों दो मटके उठाएंगी। हर्ष जिसका पहले मटका उतारेगा, मतलब वो उससे ही प्रेम करता है। हर्ष की पत्नी ने उन्हें जैसे तैसे समझा दिया कि वो बहन का मटका ना उतारें। अगले दिन जब दोनों सरोवर में पहुंची तो हर्ष ने पत्नी के कहे अनुसार उनका ही मटका उतारा। इसके बाद भाई बहन के बीच झगड़ा हो गया। जीड़ माता ने तपस्या की और कहते हैं कि वो माँ दुर्गा बनी। भाई ने भी बहन के साथ ही तपस्या की और वो हर्ष भैरव बन गए। इस जगह पर भगवान शंकर और माँ जीड़ में भवानी का मंदिर मौजूद है। भाई बहन अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए इस मंदिर में दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर में चैत्र और शारदीय नवरात्र के मौके पर मेला भी लगता है। मंदिर से 26 किलोमीटर की दूरी पर खाटू श्याम का मंदिर है। इसी वजह से इस मेले में वहाँ के श्रद्धालु भी पहुँचते हैं। ये मंदिर सीकर से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। नवरात्र के दौरान यहाँ पर खासी भीड़ देखने को मिलती है।